कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। ब्रुकलिन में रातों को अक्सर कोई 3 बार दरवाजा खटखटाता है और उसके बाद सुनाई देती है एक खौफनाक हंसी। कहते हैं कि इस हंसी के पीछे उस रूह के खौफनाक इरादे छिपे हुए हैं जो इंसानों के साथ मौत का खेल खेलना चाहती है। आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है ब्रुकलिन में दहशत फैलाने वाले एक क्लाउन की। हाय, आई एम सुमंतो। हाय सुमंतो, आई एम मिनी। मिनी, मैंने सुना है आपने क्लाउन को देखा है। आखिर ये क्लाउन कौन है और इसकी क्या कहानी है? सुमंतो, उसे उसे गेम्स खेलना पसंद है। गेम्स खेलना? हाँ। इंटरेस्टिंग। ये एक बच्चे की रूह है, एक शांत सीधा साधा बच्चा जो हाई स्कूल बुलीज का शिकार बन गया था। सुना है कि एक रात जब वो अपने हॉस्टल रूम में सो रहा था तो कुछ बच्चों ने उसका फेस क्लाउन के जैसा पेंट कर दिया। क्लाउन इसके बाल देखो कितने बनी है और इसका चश्मा भी पूरा क्लाउन लग रहा है। क्लाउन 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 क्लाउन। मुझे जाने दो। अरे रे रे, रोता क्यों है? हाँ, क्लाउन तो हमेशा हंसता है। स्माइल कर स्माइल। मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। तू कैसा क्लाउन है, चल हंस 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 हंसना, चल हंस हंस हंस। अरे अरे, क्लाउन की तरह कुछ करके दिखाओ। अच्छा सुन, ये बालकनी की रेलिंग है ना, चल इस पे चल के दिखा। चलो चलो, इसको बैलेंस करवाते हैं। मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। कम ऑन, अब चलना शुरू कर दे यार। मैं गिर जाऊंगा, मुझे जाने दो। गिरना मत। अरे ये कैसा डरपोक क्लाउन है, चल 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 आगे बढ़। एक क्लाउन, एक क्लाउन। चल रोने का नहीं, हंस हंस हंस। मैं गिर जाऊंगा। उसकी मौत क्लाउन के गेटअप में ही हुई थी और उसकी रूह हमेशा के लिए उसी क्लाउन में कैद हो गई। जो उसके साथ हुआ वो अब बाकियों के साथ करना चाहता है और इसीलिए अब वो सबको अपने साथ खेलने पर मजबूर करता है। मौत का खेल। Oh my God, मिनी, तो आपने क्लाउन को देखा कब? ये पिछले साल की बात है, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ क्लबिंग गई थी। हम करीब 2:30-3 बजे क्लब से वापस आए थे। ओ मार्टिन, आज मैं बहुत थक गई हूँ। Yeah, let's go in. Sure, चलो। मैंने दरवाजा बंद ही किया था कि अब कौन आ गया? कौन है? कौन है? अरे कौन है? मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था और फिर लगा जैसे कोई दौड़ के स्टेयरकेस के ऊपर गया। मुझे लगा शायद मार्टिन है। मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन। मैं ऊपर रूम में गई तो मार्टिन वहां नहीं था। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया दरवाजा अपने आप बाहर से लॉक हो गया। कौन है? कौन है? मार्टिन, क्या ये तुम कर रहे हो? मार्टिन प्लीज, ये बहुत
गंदा मजाक है। मार्टिन, मार्टिन! और फिर मेरी नजर सामने की दीवार पे लगे मिरर पे गई और उसमें मुझे दिखा पीछे कबर्ड के बगल में एक क्लाउन खड़ा था। He was laughing. मार्टिन, दरवाजा खोलो, मार्टिन दरवाजा खोलो, मार्टिन मेरे कमरे में कोई है, मार्टिन somebody help, somebody help! उसने मेरे पैर पकड़कर मुझे खींच लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, खोल दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। Play with me, I said, come play with me, I want to play, won't you play with me? मैंने किसी तरह से दरवाजा खोला पर मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से सीधे हॉल में जा गिरी। वो हंसता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। मेरे साथ खेलो ना, ये बैट, इस बैट से खेलते हैं बेसबॉल। बॉल तो है, फिर क्या हुआ, तुम्हारा सर तो है ना। उसने बैट उठाया और मेरे सर पे दे मारा। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें क्लाउन्स पसंद नहीं? प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें गेम पसंद नहीं? मैं किसी तरह से रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खोल के भागी तो देखा मार्टिन ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स पे सर्कस में क्लाउन की तरह चल रहा था। मार्टिन, नीचे उतरो, तुम गिर जाओगे। मार्टिन, व्हाट आर यू डूइंग? मिनी, मुझे बचाओ, मिनी, मैं गिर जाऊंगा, मिनी। मैं उसको नीचे उतारूं। बड़ा मजा आया। देखो 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 कैसे गिर गया। मेरे साथ खेलता नहीं था ना। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। तुम रहा। उसकी वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर वो अचानक गायब हो गया। मुझे लगा कि शायद वो चला गया है। मुझे बहुत चोट लगी हुई थी, सर से खून बह रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो क्लाउन जा चुका था, मानो जैसे जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। मेरी चीख सुन के नेबर्स बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली एंड मार्टिन वॉज नो मोर। जिस रात मिनी के साथ यह हादसा हुआ उसी रात ब्रुकलिन में रहने वाले कुछ यंगस्टर्स को भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। हाय, आई एम सुमंतो। हाय सुमंतो, सॉरी मैंने आपको यहाँ मिलने बुलाया क्योंकि यही वो घर है जहाँ हादसा हुआ था। ओके,
एक्चुअली आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे यहां बुलाया। अब मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस को और भी करीब से समझ सकूंगा। रॉन, मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने क्लाउन को देखा, राइट? राइट। उस रात मॉम और डैड बाहर गए हुए थे और मैंने अपने फ्रेंड्स को घर बुला लिया। हमने सोचा कि एक मूवी मैराथन करते हैं। अच्छा, मतलब बैक टू बैक मूवीज देखने का प्लान। हाँ, वी आर हैविंग अ गुड टाइम। हे ब्रैड, सुना, फ्रिज से ड्रिंक्स लेकर आना। या श्योर। हम सब दौड़ते हुए किचन की ओर भागे। दरवाजा अंदर से लॉक था। ब्रैड, 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 क्या हुआ? आर यू ओके? फ्रिज, फ्रिज में कोई है। क्लाउन। व्हाट? ब्रैड, ओपन द डोर। ब्रैड, दरवाजा खोल। व्हाट्स रॉन्ग? ब्रैड, ब्रैड, हमें देखने तो दे यार। पहले हमें लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर पहली बार हमने उसकी हंसी सुनी। नहीं, तुमने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, अब तुम्हारी मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं ढूंढूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुद से खुल गया और हमने देखा कि ब्रैड जमीन पर पड़ा हुआ था। हम सब उसकी तरफ भागे। ब्रैड जमीन पे पड़ा था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। और जैसे ही हम अंदर गए, बाहर हॉल से आवाज आई। अब कौन ढूंढेगा मुझे? लिंसी, तुम यहाँ ब्रैड के साथ रुको, मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है? नो नो प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके 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 ओके, साथ में चलते हैं, ठीक है? जैसे ही हम बाहर गए, कौन हो तुम? कौन हो तुम? और ब्रैड के साथ क्या किया तुमने? रॉन, ओ रॉन, देखते हैं किसका एम अच्छा है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? उसने एक एक करके सब कुछ हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और उसने टीवी उठाकर लिंसे की तरफ फेंक दिया। कैच, ठीक से पकड़ो। लिंसे, सर बुझ जाएगा, इसे संभाल के। हॉल का सारा फर्नीचर हवा में था। लिंसे, लिंसे भाग, मेन डोर खोल जल्दी। रॉन, दरवाजा लॉक है। ठीक है, ऊपर चल। हम लोग भागते हुए ऊपर बेडरूम में गए और देखा तो वहाँ ब्रैड चेयर पे बंधा हुआ था। ब्रैड, पर ये तो किचन में बेहोश था ना। मुझे बचाओ, मुझे प्लीज बचाओ। लेकिन हम जैसे ही चेयर की तरफ बढ़े, किसी ने चेयर उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। मुझे बचाओ रॉन, लिंसे, प्लीज मुझे बचाओ। रॉन, रॉन, ब्रैड, रॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें भी मार देगा। डोंट वरी लिंसे, सब ठीक हो जाएगा, ओके? और फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ब्रैड मेरे साथ नहीं खेल रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। अब तुम दोनों मेरे साथ खेलोगे ना? डर से मेरा खून जम गया और फिर उसने लिंसे को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कबर में बंद कर दिया। चलो अब एक गेम खेलते हैं। प्लीज प्लीज हमें जाने दो, लिंसे को बाहर निकालो। डोंट क्राई, क्लाउन को देखकर तो सब हंसते हैं, तुम भी हंसो, हंसो, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। देखो, इस बॉल को बेसबॉल के बैट पर बैलेंस करना है, सिंपल। अगर तुम जीत गए तो मैं लिंसे को बाहर निकाल लूंगा, लेकिन अगर बॉल गिरी तो लिंसे प्लीज, प्लीज, somebody help, प्लीज,
प्लीज अभी जाने दो। पर क्लाउन को बैलेंस वाला गेम बहुत पसंद है। तुम बैलेंस करो और मैं क्लैप करूंगा। लेकिन खबरदार, रोना मत। कमन कमन कमन, यू कैन डू इट। बैलेंस ही तो करना है। कमन कमन कमन, यस वन, यस टू, यस थ्री, यस। अब तो बाल गिर गए, अब मेरी बारी। सवाल है कि एक ही शहर में, एक ही वक्त में, एक ही क्लाउन के दो जगह होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि शायद वक्त के कायदे सिर्फ हम इंसानों के लिए ही बने हैं। क्योंकि जिस वक्त क्लाउन ने मिनी के घर का दरवाजा नॉक किया, ठीक उसी वक्त वो रॉन के घर के फ्रिज के अंदर बैठा था। क्या ये घटनाएं सच है या फिर ब्रुकलिन शहर में फैले हुए डर की एक तस्वीर?